हैं पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब जी कोठारी भाई साहब और ग्रुप के डिप्टी चेयरमैन भुवनेश जैन साहब, हम सब एकत्र हुए हैं पत्रिका के संवाद से कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम में थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं अपने समूह की तरफ से। आप सभी विद्वत जन अपने कीमती समय से कुछ क्षण निकाल कर हमारे बीच उपस्थित हुए, ये हमारे लिए गौरव की बात। अगले कुछ घंटे हम आपके शहर, हमारे शहर, एक जिजीविषा के शहर जो बार बार जी उठता है, कभी कपड़ों का शहर कहा जाने वाला शहर, मैनचेस्टर कहा जाने वाला शहर, जब वो तबाह होता है उद्योग, तब हम कहीं मसाला उद्योग के रूप में जी उठते हैं, कभी हम दूसरे उद्योग के रूप में उठते हैं। ये एक जिजीवसा है इस शहर की, उस जिजीवसा के बारे में, उस शहर के बारे में क्या समस्याएं हैं, उस शहर की क्या दिक्कतें हैं, हम उसके बारे में आप सबसे रूबरू होंगे संवाद सेतु के कार्यक्रम में। कार्यक्रम को शुरू करें उसके पहले हम सब आप देखते हैं एक शॉर्ट फिल्म पत्रिका समूह के बारे में। पत्रकारिता के सिद्धांतों की पूजा पत्रिका समूह द्वारा प्रबंधित
पत्रिका समूह के एक संक्षिप्त परिचय के बाद आइए अब जानते हैं पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी के बारे में संक्षिप्त। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक सम्मानित श्री गुलाब जी कोठारी ने वेद विज्ञान से लेकर धर्म आध्यात्म और संस्कृत से लेकर राजनीति तक साधिकार कलम चलाकर अपनी अलग ही पहचान बनाई है। आपके मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि पत्रिका में प्रत्येक लेखन पाठक को केंद्र में रखकर ही प्रस्तुत होता है। पाठक भी अपने अंतसा से पत्रिका से जुड़ जाता है। इसका प्रमाण तब तब दिख जाता है जब किसी सामाजिक अनुष्ठान या आपदा के समय पत्रिका के एक आह्वान पर जन जन कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भागीदारी के लिए खड़ा हो जाता है। ऐसा संयोग भी पत्रकारिता जगत में अब विलुप्त प्राय हो चला है कि अखबार के स्वामी स्वयं भी लेखनी के धनी संपादक हों। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद कुलिस जी की यह परंपरा अब प्रधान संपादक के रूप में आदरणीय गुलाब जी कोठारी बखूबी निभा रहे हैं। उनके अखबार के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित अग्रलेख न केवल समाज को झकझोरते हैं बल्कि हुक्मरानों को भी नसीहत देते भी नजर आते हैं। अपनी इस लेखनी से ही नहीं बल्कि मन वचन और कर्म से भी गुलाब जी कोठारी भारतीय संस्कृत के पैरोकार अग्रदूत और हितचिंतक के रूप में नजर आते हैं। आज के दौर में पत्रकारिता मिशन को मीलों छोड़कर मीडिया इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है। उस दौर में मूल्य आधारित पत्रकारिता के प्रतिमान स्थापित कर रहे गुलाब जी का संपूर्ण लेखन आधुनिक जीवन मूल्यों का समावेश करते हुए मौजूदा अपसंस्कृति से आगाह नजर करता आता है। वेद विज्ञान के कई पहलुओं पर भी कोठारी जी ने कई पुस्तकें लिखी हैं। आपने वैदिक वाङ्मय में भाष्य और संस्कृत अनुवाद से हटकर कर्पूर भाष्य का प्रणयन किया है। अब तक विभिन्न भाषाओं में कोठारी जी की 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। चिंतन साहित्य के क्षेत्र में मानस 12 भागों में कालजयी ग्रंथ है जो 13 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। कोठारी जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित स्थान मिल चुके हैं। भारतीय प्रेस परिषद की ओर से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान राजा मोहन राय सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्त देवी पुरस्कार, भारतेंदु हरिश्चंद पुरस्कार, निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का हल्दी घाटी सम्मान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृति पुरस्कार समेत इंटर कल्चरल ओपन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड द्वारा स्थापित IOUP अवार्ड सहित आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। कोठारी जी का जन्म 6 जनवरी 1949 को टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में हुआ।
कोठारी जी खुद को हमेशा एक विद्यार्थी ही मानते रहे हैं। राजस्थान पत्रिका में अपने नियमित स्तंभ स्पंदन और मानस में भारतीय मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति के संरक्षक के तौर पर निरंतर लिख रहे हैं। इनकी संवेदनशीलता को अपनी पौत्री आद्या को संबोधित करते हुए लिखी गई कविताओं में अनुभूत किया जा सकता है। राजस्थान पत्रिका समूह एक परिवार की तरह है और गुलाब जी कोठारी उसके मुखिया हैं। कई बड़े मीडिया हाउस जब कारपोरेट कल्चर में रच बस गए हैं, पत्रिका समूह इसका अपवाद है। इस परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्य कोठारी जी को बड़े भाई साहब कहकर संबोधित करते हैं। इससे मालिक और कर्मचारी का संबंध कहीं गौड़ हो जाता है। गुलाब जी कोठारी के नेतृत्व में पत्रिका समूह आज देश के 9 राज्यों से 38 संस्करणों का प्रकाशन कर चुका है। यूपी में पत्रिका.com डिजिटल न्यूज के लिए एक विश्वसनीय ब्रांड बन चुका है। वे ऐसे अखबार के प्रधान संपादक हैं जो सामाजिक सरोकारों में सदैव आगे रहा है। कारगिल युद्ध के शहीद परिवारों की सहायता हो या फिर गुजरात के भूकंप पीड़ितों की मदद और फिर राजस्थान के अकाल प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम, पत्रिका सदैव आगे रहा है। अपने संवाद से कार्यक्रम के तहत गुलाब जी कोठारी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालयों और शहरों तक पहुंचकर लोगों से उनकी समस्याएं जानी और समाधान के लिए सुझाव भी प्राप्त किए। यह एक ऐसा अभियान है जिसकी भारतीय तो क्या विश्व के मीडिया इतिहास में भी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। खुद कोठारी जी का मानना है कि शिक्षक और छात्र के बीच ठीक वैसा ही संवाद और संबंध स्थापित होना चाहिए जैसे माँ और बच्चे के बीच होता है। कोठारी जी की ये साधना अनवरत जारी है। इसी क्रम में आज हम सब आपके बीच में हैं कोठारी जी के साथ। इस कार्यक्रम को शुरू करें उसके पहले हम समूह के डिप्टी एडिटर भुवनेश जैन जी से आग्रह करेंगे कि आपके बारे में दो सब बताएं, क्या है मीडिया और मीडिया की क्या चुनौतियां हैं। नमस्कार। कानपुर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, आदरणीय श्रद्धे गुलाब भाई साहब, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग पत्रिका समूह के बारे में जानते हैं। और चूंकि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों से निकल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी इसकी उपस्थिति पत्रिका.com जो एक मीडिया वेबसाइट है और ई पेपर के रूप में है, लेकिन अल्प समय में ही इसने यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा कि करोड़ों व्यूअर इसके बन चुके हैं और एक पॉपुलर मीडिया वेबसाइट के रूप में आगे आ चुका है। एक पत्रिका के साथ साथ अगर एक संक्षिप्त दृष्टि हम आज के मीडिया परिदृश्य पर डालें तो मुझे लगता है कि हमको हमारा उद्देश्य भी स्पष्ट करने में थोड़ी आसानी होगी। आपको, आप सब जानते हैं कि मीडिया पत्र भारत देश में जो पत्रकारिता का जो उदय हुआ था आजादी के आंदोलन के समय तेजी से हुआ था। आपका कानपुर शहर तो इस बात का गवाह है कि यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार हुए जिन्होंने आजादी के उसमें संग्राम में भी पत्रकारिता का एक नया स्वरूप दिया और देश भर के सैकड़ों पत्रकार उस समय आजादी के आंदोलन में जुड़े। आजादी हासिल का लक्ष्य हासिल होने के बाद मीडिया का प्रमुख उद्देश्य हमारे देश में ये रहा कि किस तरह से हमारे देश में क्या विश्व भर में ये उद्देश्य है कि किस तरह से नागरिकों को उनका जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे अलग रखते हुए एक लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किस तरह से करें और ऐसा कुछ न हो कि कुछ इस तरह की चीज़ें, चाहे सरकार के रूप में हो चाहे माफिया के रूप में हो, इस तरह की चीज़ें हावी हो जाएं।
जो लोगों के जीवन में कठिनाइयां बढ़ा देती हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा देते हैं या दूसरी चीजें घर करने लगती हैं, तो उनसे एक संघर्ष करने की शक्ति के रूप में, एक बैलेंस करने के, एक सेतु बनने के रूप में ये उद्देश्य रहा था कि मीडिया आगे बढ़ेगा, पत्रकारिता आगे बढ़ेगी। लेकिन हम आज देखते हैं कि आज देश में क्या स्थिति है पत्रकारिता की, आप सब इससे वाकिफ हैं। एक मोटे रूप से देखा जाए तो आज एक व्यवसाय बन के रह गया मीडिया। ज़्यादातर जो मीडिया समूह हैं उनका उद्देश्य ये रह गया कि वो ज़्यादातर उनके सबके अपने अपने दूसरे तरह के व्यवसाय हैं, और उन व्यवसायों को संरक्षित करने के लिए किस तरह से पत्रकारिता को एक माध्यम बनाया जाए। उसके अलावा थोड़ा सा जो मॉडर्न इसका आधुनिकीकरण हुआ उसका भी एक असर पड़ा, और एक ब्रेकिंग न्यूज़ जैसी एक चीज़ें इसमें आई कि इसका मुख्य उद्देश्य जैसे ये हो गया कि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है या चटपटे से खबर देनी है, इस तरह का उद्देश्य रह गया। और जो मूल इसका जो भावना थी, उद्देश्य था, उससे भटक गए। हमारे ज़्यादातर जो पत्रकार साथी भी जो देखने में आते हैं वो भी अब आजकल मतलब निष्पक्षता की तो बात करना ही बेईमानी हो गया। ये भाजपा के पत्रकार हैं, ये कांग्रेस के पत्रकार हैं, ये सपा के पत्रकार हैं, इस तरह के पत्रकार हो गए ज़्यादातर। तो ये आज एक मीडिया की एक मोटे रूप से एक परिदृश्य नज़र आता है। दिल्ली राजधानी आप जाएं तो वहाँ तो ये समझ लो कि जो जिस बीट को कवर कर रहा है वो उसी का पत्रकार हो गया, उसके पक्ष में ही लिखेगा, जब भी लिखेगा उसके अगेंस्ट नहीं लिखेगा। ये भी एक इस तरह की चीज़ें देखने को मिलने लगी है। तो ये मीडिया की जो उद्देश्य होने चाहिए थे वो कहीं एक देश के उस पर स्तर पर देखें तो ये बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अब मैं पत्रिका समूह के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आपने हो सकता है पत्रिका समूह के बारे में, इसके अखबारों के बारे में सुना हो, किस तरह के प्रकाशन कर रहा है और किस तरह के उद्देश्यों को लेकर, किस तरह के अपने लक्ष्यों को लेकर ये लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके बारे में आप लोगों में से राजस्थान किसी का जाना हो हुआ हो, मध्य प्रदेश जाना हुआ हो, या उन 8 राज्यों में जहाँ से निकल रहा है वहाँ जाना हुआ हो, तो पत्रिका का नाम लेते ही समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि वहाँ पे इसको निष्पक्षता, विश्वसनीयता और एक साहसिकता का पर्याय माना जाने लगा है। और इसका कारण क्या है, इसके लिए थोड़ा सा हमको पिछले इतिहास, पत्रिका के इतिहास में देखना पड़ेगा, क्योंकि पत्रिका समूह की जो शुरुआत हुई है वो किसी व्यवसाय, कोई व्यवसायिक परिवार ने नहीं की, एक पत्रकारिता से जुड़े परिवार ने की है। श्रद्धेय गुलाम भाई साहब के जो पूज्य पिताजी थे कपूरचंद जी कुलिश, वो स्वयं एक बहुत संघर्षशील पत्रकार थे, और जब वे रिपोर्टर हुआ करते थे उस समय राजस्थान का सबसे बड़ा अखबार था राष्ट्रदूत, उसमें जब रिपोर्टर हुआ करते थे तो इसी तरह के, क्योंकि एक उस तरह का आज़ादी के बाद के जो युग था 10-15 साल बाद के, उस समय की बात है, तो उस समय मीडिया का झुकाव सरकारों की तरफ होने लग गया था, सरकारों से मिलके चलने की शुरुआत हो चुकी थी और उतने खुल के कोई लिख नहीं पाते थे। तो उस समय जब उन्होंने कलम रिपोर्टर के रूप में चलानी शुरू की तो उनको लगने लगा कि उनके समाचार रोके जाने लगे हैं, उनको लिखने से बंदिशें लगाई जाने लगी हैं, तो उनको बड़ा अटपटा लगता है कि ये जब मैं पत्रकार हूँ, जब मेरे खुद की कलम पे ही मेरे पहले लगा दिए जाएंगे तो कैसे अपना धर्म निभा पाऊँगा। तभी उन्होंने सोचा कि मैं, मेरे को स्वयं खुद का अखबार शुरू करना चाहिए। तो उन्होंने अपने कुछ मित्रों और कुछ 500 रुपये की उस समय व्यवस्था करके, मित्रों की मदद से अपना एक पन्ने का अखबार शुरू किया जयपुर से।
और उन्होंने जिस तरह के तेवर के साथ, जिस तरह की लेखनी के साथ उसका शुरुआत की, वो एक उस समय सबके लिए अचरज की बात थी कि कोई अखबार इस तरह से भी जनता के इश्यूज उठा सकता है, सरकार की नाराजगी मोल ले सकता है, या दूसरे प्रभावशाली वर्ग हैं उनकी नाराजगी भी मोल लेकर भी इस तरह से जनता के इश्यूज उठा सकता है और उनको साथ लेके आगे चल सकता है। इसका नतीजा यह हुआ कि अखबार पॉपुलर होता चला गया बहुत जल्दी, और एक पन्ने से दो पन्ने, दो से चार पन्ने, इस तरह से जयपुर का एक बड़ा अखबार बन गया। और जयपुर के बाद जोधपुर, उदयपुर एवं करके राजस्थान के आज 15 संस्करण निकल रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश के में कई संस्करणों की शुरुआत की, पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में छा गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी आज ये आप आश्चर्य करेंगे कि जैसे अभी आपने देखा कि जगदलपुर बस्तर का इलाका है पूरा, जहाँ किसी भी अखबार ने वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वहाँ केवल आपको लोगों से जुड़ी हुई खबरें देनी थी, वहाँ व्यवसाय तो कोई था ही नहीं। आदिवासी भला आपको क्या लाभ देंगे? लेकिन पत्रिका ने अपना दायित्व वहाँ पे अपना संस्करण निकाल के शुरू किया, और आज देश का एकमात्र अखबार है राष्ट्रीय स्तर का जो कि एक बिल्कुल आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाका है वहाँ से निकल रहा है, वहाँ के भी हर जगह वहाँ के कोने कोने में जा रहा है, चाहे सुकमा हो या बोरे अपने वहाँ के जो आदिवासी जो आप सुनते रहते हैं उन इलाकों में सब जगह जा रहा है। तो इस तरह की भावनाओं के साथ ये अखबार निकला। पत्रिका राजस्थान में राजस्थान पत्रिका के नाम से निकलता है, और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में पत्रिका के नाम से, और इसके अलावा इसके डेली न्यूज़, न्यूज़ टुडे, दो और अन्य अखबार हैं, वेबसाइट है, अपना टीवी चैनल है, रेडियो स्टेशन है। मतलब कहने का मतलब यह है एक बड़ा बड़े मीडिया समूह में एक आज ये परिवर्तित हो चुका है, और इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यावसायिक कोई बहुत बड़े लाभों की स्थिति में बढ़ रहा हो। लोकप्रियता मतलब यह है कि इसका प्रसार बढ़ता जा रहा है, पॉपुलरिटी इसकी लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। तो और इन लोकप्रियता बढ़ने का कारण यही है कि आप दो तरह से लोकप्रियता बढ़ा सकते हैं, कि या तो आप सर्कुलेशन और दूसरी स्ट्रेटजी स्कीम लागू करके पाठकों को मुफ्त गिफ्ट देके इस तरह से लोगों को जोड़े, तो उस तरह के अखबार आपके आपको सूचनाएं तो दे सकते हैं लेकिन आपके मन को नहीं छू सकते। पत्रिका ने आगे बढ़ा लोगों के पाठकों के मन को छूकर, कि उनके इश्यूज समझ के वो किस तरह की उनकी चिंताएं हैं, किस तरह के मुद्दों से वो जूझ रहे हैं, किस तरह के सरकारों के कामकाज चल रहे हैं, किस तरह के प्रभावशाली लोग हैं, माफिया हैं, उनसे क्या कष्ट है, और उनसे संबंधित मुद्दे उठाकर उनको एक हल तक पहुंचाने का ये एक दायित्व तो हमेशा पत्रिका निभाता रहा है। बड़े बड़े अभियान ऐसे चलाए जिसमें कि हर जगह सरकारों की नाराजगी मोल लेना पड़ा, बड़े व्यावसायिक घरानों की नाराजगी मोल लेनी पड़ी, लेकिन पत्रिका ने पाठकों के प्रति अपने धर्म को निभाने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ी। अभी आपको ध्यान होगा काला कानून करके राजस्थान में कानून आया था, कि जिसमें पिछली सरकार के समय उसमें ये प्रावधान था कि आप कुछ भी लिखेंगे किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, तो एक तरह से आपकी कलम रोकने की कोशिश थी। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, पत्रिका ने पूरा अभियान चला के उसका विरोध किया, और एक तरह से सरकार की जो प्रचारात्मक खबरें थी उनका बहिष्कार भी किया, जब तक काला तब तक ताला करके इसको रेगुलर फ्रंट पेज पे देना शुरू किया, और इतना दबाव बढ़ा दिया आखिर में मतलब पूरे देश के मीडिया को पत्रिका से वो के मुद्दे को आगे बढ़ाना पड़ा, और इतना दबाव पड़ा कि जो कानून पास हो चुका था उसको सरकार को विधानसभा में वापस लेना पड़ा। इस तरह के कई इशूज आए। मध्य प्रदेश में जमीन का दर्द का एक इशू था कि लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी से वो जिन जमीनों में अपने मकान आशियाना बनाने में पैसा लगा रहे थे, तो किस तरह माफिया लोग उनको ठग रहे थे, जो भू माफिया उनको ठग रहे थे,
उनके पैसे रकम लूट के गायब हो जाते थे, तो उस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया और इतने लोगों लोग जुड़े उस अभियान में कि मध्य प्रदेश की सरकार को उसके लिए अलग कानून बनाना पड़ा कि राहत देने के लिए। उन माफियाओं को पकड़ के जेल में डाला, सैकड़ों की संख्या में माफिया जेल में गए, वहाँ पे अलग कोर्ट ऐसे मामलों के निपटारों के लिए बनी, लोगों के पैसे वापस हुए। तो एक बहुत बड़ा अभियान था जिससे वहाँ की जनता को बहुत राहत मिली। इस तरह के अभियानों की कोई गिनती नहीं, जब अलग अलग संस्करण अलग अलग तरह के अभियान इस तरह के चलाते रहे हैं। और न सिर्फ समाचारों में, पत्रिका एक तरह से सामाजिक जीवन में भी लोगों के साथ जुड़ के सामाजिक सरोकार भी निभाता रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि ये अखबार है कि ये कोई एनजीओ है, क्या है जो इस तरह के अभियान चला रहा है। जब राजस्थान में बहुत पहले अकाल पड़ा था तो उस समय एक मुट्ठी अनाज योजना करके चलाई उन्होंने, कि एक मुट्ठी अनाज का एक आह्वान किया लोगों से कि आप एक मुट्ठी अनाज दान दें और हम उनको जो अकाल पीड़ित भाई बहन हैं उन तक पहुंचाएंगे। तो स्कूलों के बच्चों तक एक एक मुट्ठी अनाज लेकर अपने स्कूलों में पहुंचे और हमने बड़ी तादाद में अनाज इकट्ठा करके वहां पहुंचाया। करगिल के शहीद हुए थे उनके लिए कोष बनाया, एक रिकॉर्ड पैसा इकट्ठा हुआ और उनके शहीदों के परिवारों तक घर घर जाके वो सहायता बांटी। अमृतम जिला में एक बड़ा अभियान है पत्रिका का, कि जब खासतौर से राजस्थान जैसे इसको अभियान को आगे भी जारी रखा हमने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में भी, कि पानी की महत्ता समझे लोग, तो जो कुएं बावड़ी और जो हमारे तालाब जलाशय हैं जो परंपरागत जल स्रोत हैं उनके प्रति लोगों को जिम्मेदार बनाया जाए एक, तो उसके लिए उनको साथ जोड़ के हर गर्मियों में बरसात से ठीक पहले एक अभियान होता है अमृतम जलम, कि उनकी सफाई करें और उसमें सरकार का एक पैसा नहीं लिया, न किसी चंदा किसी से लिया, केवल जनता से श्रम का आह्वान किया कि आप श्रम करें इसमें आकर। और लाखों की संख्या में लोग निकलते हैं उस आह्वान को लेकर, हर साल निकलते हैं कितनी भी कड़ी धूप हो उसमें निकलते हैं और उन जलाशयों को अपने हाथों से साफ करते हैं, कीचड़ निकालते हैं, मिट्टी निकालते हैं, कचरा निकालते हैं, मरम्मत होती है और उसका नतीजा होता है कि जब भी फिर अगली बरसात आती है तो वो सब लबालब बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के अभियान ऐसे हरियालो राजस्थान है, दूसरे प्रदेशों में हरित प्रदेश के नाम से, जिसमें कि पेड़ लगाए जाते हैं बरसात के दौरान। तो इस तरह के सामाजिक सरोकारों के अभियान भी लगातार पत्रिका जारी करता रहता है। और जो खबरों के अभियान हैं तो उनके बारे में तो कई बार ये कहा जाता है कि पत्रिका विपक्ष की भूमिका निभाता है। आजकल राजनीतिक स्थिति और ये कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज्यादा अंतर नजर नहीं आता, सत्ता आती है तो विपक्ष चुप हो जाता है, वहाँ सत्ता जब तक सत्ता में है तब तक सत्ता का आनंद लेता है, विपक्ष में आते चुप हो जाता है, बस लास्ट के एक साल में एक्टिव होते हैं। तो ऐसे में पत्रिका लगातार 5 साल तक एक्टिव रहता है कि सरकारों के कामकाज पे नजर रखने के लिए। एक जागो जनमत बड़ा अभियान है पत्रिका के, जिसमें लोगों को लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए साथ में जोड़ना, उनमें पहले सबसे पहले तो मतदान के लिए जागरूकता करना कि जो आज की जनरेशन है, दूसरे लोग हैं जिनमें एक इस तरह से उदासीनता आती जा रही थी, उसको खत्म करके कि आपको मतदान करना जरूरी है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। और फिर जो जनप्रतिनिधि बनते हैं या बनने की दौड़ में हैं, उनके आमने सामने या उनके संकल्प पत्र जैसे वादे करवाना जनता के सामने कि आप इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, या वो लिखित में वादे करें और फिर हर साल उसका फॉलोअप करना कि आपने इसमें से कितने वादे पूरे किए हैं, इस तरह के अभियान जागो जनमत के तहत चलाना। तो ये हर तरह के जो सामाजिक प्रतिबद्धता है उनको साथ लेके चलने वाला ये समूह है। तो ये एक मूलभूत फर्क है जो कि बहुत बड़ा फर्क है जो एक आज के मीडिया परिदृश्य में देख रहे हैं और पत्रिका समूह में देख रहे हैं। इन्हीं संकल्पों के साथ हमने उत्तर प्रदेश में शुरू किया, अपनी वेबसाइट शुरू की और आज यही कारण है कि
दूसरी वेबसाइट भले ही वो चटपटे समाचार हों या उनके कारण लोकप्रिय आगे बढ़ रही हों, लेकिन हमारी जो पत्रिका .com है वो इस कारण आगे बढ़ रही है कि हम वो पत्रिका लोगों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और इस कारण से करोड़ों लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। भाई साहब के बारे में अभी काफ़ी विस्तार से बताया, आप लोगों को शायद ही आश्चर्य होगा कि आपके शहर में क्या कर रहे हैं भाई साहब। कानपुर में भाई साहब का ये रहता है कि जब तक वो लोगों से सीधे संवाद करके इश्यूज नहीं समझेंगे, वहाँ के उनकी नब्ज नहीं समझेंगे, वहाँ के राजनीतिक चीज़ें नहीं समझेंगे, तब तक अखबार में अपनी टीम को किस तरह से निर्देशित करेंगे कि आपको किस दिशा में काम करना है। इन प्रदेशों का कोई जिला ऐसा नहीं हो, भले ही मैंने जैसा बताया ठेठ नक्सली इलाकों तक भाई साहब होके आए हैं और वहाँ पे लोगों से मिले, इस तरह के संवाद किए और उनको फिर लिखते हैं अपने लेखनी में। आप आज भाई साहब की जो आलेखों की क्लिपिंग्स घर घर में वहाँ पे संभाल के रखी जाती है, पढ़ते हैं, उनको रेफरेंस के रूप में लिया जाता है, हाई कोर्ट में वो रिट याचिकाओं के रूप में काम में ली जाती है, वहाँ पे इस तरह के कई उदाहरण हो चुके हैं। तो ये एक, क्योंकि कुलेश जी के बाद वही परंपरा निभा रहे हैं भाई साहब, क्योंकि मन से पत्रकार हैं वो भी और जब से मतलब काम संभाला तब से खूब यात्राएं की, मोटरसाइकिल से शुरू करके आज हर तरह की यात्राएं इन्होंने की है और लोगों से, हजारों लोगों से मिले होंगे। तो ये एक समूह का थोड़ा सा परिचय था और एक ये भी था कि कानपुर या उत्तर प्रदेश में आने का, अभी इस समय आने का, अभी चुनाव भी आ रहे हैं तो उस समय भी, अब लोगों की चुनाव से पहले थोड़ी सी आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं और कुछ जो इश्यूज जिनके कारण उनके मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, जिस तरह के इश्यूज, वो कुछ तरह के मुद्दे हैं, उनकी थोड़ी जानकारी लेना ताकि उन पर काम कर सकें और राजनीतिज्ञों को, राजनेताओं को उनसे जोड़ सकें, ये एक उद्देश्य रहता है। तो ये एक इतनी ही बात मुझे कहनी थी। आप सबका पुनः स्वागत और अब मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात कहें और उसके बाद एक संवाद का सिलसिला आप लोगों के साथ शुरू करें। धन्यवाद।